दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस ज़माने में, इस कोरोना काल में एक बहुत बड़ी आशा थी आयुर्वेदिक मसालों के ऊपर, यानी कि ये लहसुन, ये तुलसी, ये अदरक, ये हल्दी, ये लौंग, अजवाइन, इन सब के ऊपर बड़ा हमें होप था। लेकिन आजकल ये उतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं जितना हमारे शरीर पर इनको काम करना चाहिए। इसका कारण क्या है मालूम है आपको? कि पहली बात, ये सब हर्ब्स हैं, ये सब दवाएं हैं, ये सब मेडिसिंस हैं। इनका उपयोग बीमारी के समय होना चाहिए था, उसके बजाय आज भारत के अंदर क्या हो गया कि ये सारे के सारे मसाले हमारे रोज के जीवन का अंग बन गए। दोस्तों, हम रोज हल्दी खाते हैं, हम रोज अजवाइन खाते हैं, हम रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में लौंग खा लेते हैं, हम लहसुन हमारी रोज खाने की आदत पड़ गई है, कई काली मिर्च हमारे खाने की आदत पड़ गई है, हम गिलोय न तुलसी न ये कई चीज़ें हम लोग जो है ले रहे होते हैं। तो आपको मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर की एक बहुत बड़ी अजीब सी आदत है कि जब हम किसी मसाले को रेगुलरली उपयोग कर रहे होते हैं जो शरीर का भोजन नहीं है, जो तो उससे क्या होता है, बॉडी का सारा सिस्टम जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है जब नए नए हम उसको ले रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर आप जब रोज़ वो एक दवाई की तरह आप जब रोज़ खाते चले जाते हो ना, तो धीरे धीरे बॉडी उसकी एडिक्टेड हो जाती है, अडॉप्ट कर लेती है, अकोमोडेट कर लेती है। तो फिर क्या होता है, उसका रिएक्शन अब उसका इतना ज़ोरदार नहीं होता जो पहले स्टार्टिंग में आपने लिया था। जैसे आप एग्जांपल से समझ जाइए, जैसे आपने जब पहली बार मिर्ची खाई थी तो आपकी जीभ ने बहुत पानी निकाला, बड़ा रिएक्शन किया, काफ़ी देर तक जलती रही, फिर आप मिर्ची खाने की आदत डालते चले गए। फिर क्या हुआ, अब आप मिर्ची पूरी की पूरी खा लें, आप चाहे इतनी मिर्ची खा लें रोज, आपकी बॉडी अब बिल्कुल नहीं बोल रही है। क्यों? अब रिएक्शन कैपेसिटी कमज़ोर हो गई, क्योंकि बॉडी ने अपने आप को जिसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी, यानी कि अपने आप को उसने अट्रॉफी कर ली उसको, क्योंकि रोज़ के रिएक्शन से बॉडी है ना आपको बचाना चाहती है। जो चीज़ें बॉडी के लिए फूड नहीं है ना, बॉडी आपको बचाने के लिए एक अट्रॉफी क्रिएट करती है जिससे बॉडी जो है सेफ साइड में रहे। तो अब ये आज ये मसाले इस युग में कोरोना काल में बहुत ज़्यादा आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं अगर आप इन मसालों को ऑलरेडी रोज खा रहे हो। तो दोस्तों, ये विदेशी लोगों को बहुत ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि उनके जीवन में तो कभी हल्दी न लौंग न अजवाइन न तुलसी, ये तो उनके जीवन में कभी था ही नहीं। तो उनके अंदर जाते ही बड़ा रिमार्केबल एकदम रिएक्शन होगा और बड़े अच्छे ढंग से काम करेगा। लेकिन भारतीय लोगों के साथ में ये समस्या रहेगी, क्योंकि हमने हर्ब्स को जो है मसालों को हमने रोज़मर्रा का हमने लाइफस्टाइल बनाया हुआ है खाने के लिए, तो हमारा शरीर अब उतना ज़्यादा उसको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप जो है कोशिश करें कि ये सब जो उत्तेजक मसाले हैं इनका उपयोग कभी कभार करना चाहिए, और जो नेचुरल प्राकृतिक स्वाद है उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा रहेंगे, तो फिर आप अगर इन हर्ब्स को कभी कभार तकलीफ आने पर अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी फिर आपकी एडिक्टेड नहीं रहेगी, तो रिएक्शन इनका बड़ा हाई होगा और आपको जो इन हर्ब का लाभ मिलना चाहिए वो आपको लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बात बताने का अर्थ यही है कि अगर आज आपके साथ ये काम नहीं कर पा रहा है तो आप रेगुलर हैबिट में इन सब चीज़ों को थोड़ा कम करें ताकि जरूरत पड़ने पर हम इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए, मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी। मैं फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेकर एक नए विषय के साथ।